थे, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो और कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी सिर से नाचेगी, आवश्यक हो गया है। और मैं इसकी जरूर कोशिश करूंगी कि मैं अपने को पहचानूं कि आखिर मैं कौन हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात कार्यक्रम में। मित्रों कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आज के एक मुलाकात के मेहमान का। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। आप हैं शबनम अस्थाना जी, जो कि एम्पावर्ड सॉल्यूशन की संस्थापक हैं, जिनके ब्रांच पुणे और कैलिफोर्निया में हैं। आप भारत की पहली ऐसी पीआर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 2012 में वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना वक्तव्य दिया। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप अलग अलग स्थानों पे जाके अपने वक्तव्य देती रहती हैं। आप पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य भी हैं। तो आइए ऐसे सम्मानित अतिथि का हम अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम में उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। शबनम जी, आप विशेष करके यहाँ जो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है उसमें आमंत्रित हैं। थीम बहुत अच्छा है इसका, सकारात्मक परिवर्तन में जो जनसंचार माध्यम है उनकी भूमिका। आपको क्या लगता है कि आज सचमुच समाज में, व्यक्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है? जरूर, आजकल समाज में तो बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं और मीडिया एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो यह बदलाव लाने में बहुत बहुत प्रभावशाली हो सकता है। इसीलिए ये थीम जो है ये बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही वैलिड थीम है, क्योंकि आजकल की दुनिया में इसका बहुत बहुत रेलेवेंस है। हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, लेकिन अगर कोई इंसान या कोई संस्था या कोई व्यक्ति पावरफुल हो जाए तो वो उसका या तो सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है। तो मीडिया भी हमें देखना है कि इस ताज का, जो ये शक्तिशाली ताज है जो वो पहनता है, वो किस तरह से उसे यूज करता है। आपके अनुभव में क्या है, इस विषय की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आज यदि हम देखते हैं किसी भी चीज़ में, यदि देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नकारात्मकता तो आ ही गई है। आपको लगता है कि मीडिया में भी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जिसके कारण शायद इस थीम की आवश्यकता पड़ी? ज़रूर हो गई हैं। अभी कुछ ही सालों पहले की बात है, अभी 1990s में, मैं एक पीआर प्रोफेशनल हूँ, इस प्रोफेशन में 25 साल से ज़्यादा मैंने समय बिताया है। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा बदलाव आया है कि मैंने देखा है जो न्यूज़ है और जो प्रिंटेड न्यूज़ है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, सारा कुछ एक पेड न्यूज़ के तरफ बढ़ता जा रहा था। तो 1990s में ये शुरू हुआ था, उससे यह हुआ कि पीआर प्रोफेशनल्स पर भी ये असर पड़ने लग गया। तो हमारे जितने भी एफर्ट्स होते थे, हमारे जितने क्लाइंट कंपनीज हैं, अगर हम उन्हें न्यूज़ कवरेज देते थे तो लोग हमें भी थोड़ा शक की दृष्टि से देखने लग गए कि कहीं ये पेड न्यूज़ तो नहीं है, जबकि ऐसा सच नहीं था। आधा से ज़्यादा समय या कहिए 99% ऑफ द टाइम्स वो हमारी एफर्ट्स और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द न्यूज़ थी, उसके लिए वो पब्लिश हुआ था। लेकिन ये क्रेडिबिलिटी फैक्टर एक आ गया था जिसके वजह से मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि जो पब्लिक परसेप्शन है मीडिया की तरफ, वो ट्रस्ट की तरफ जाए, न कि डिस्ट्रस्ट की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये के चौथे स्तंभ के रूप में यदि माना जाता है इसे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और वैसे भी जितने भी परिवर्तन आए हैं समाज में, मीडिया का एक अहम रोल रहा है, इसीलिए एक आम व्यक्ति इसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है कि मीडिया के माध्यम से अच्छी बातें भी दी जाएँ और साथ ही जो सच्ची चीज़ें हैं वो हों और एक आम आदमी की बात भी वहाँ तक पहुँचे, ना कि किसी सशक्त या बहुत धनाढ्य व्यक्ति का एक दबाव लेकर के मीडिया कुछ ऐसी बातें पहुँचाएँ जो शायद सही ना हो।
जरूर। और मीडिया के पक्ष में मैं यह कहना चाहूंगी कि मीडिया ने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि हर चीज उन्होंने गलत किया है या कुछ किसी लालच या लोभ में किया है। जी, एक बात आ जाती है ना शबनम जी कि वो जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, शायद वैसी ही बात यहाँ पे भी हो। और मीडिया ही में क्यों, वो तो किसी भी प्रोफेशन में आपको मिलेगा, क्योंकि वो तो एक गंदी मछली तो हर प्रोफेशन में आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें मीडिया को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, हमें बस यही केयर लेना चाहिए कि जो मीडिया वाले हैं वो अपना कार्य बहुत डिलीजेंटली और बहुत ड्यूटीफुली निभाएं, किसी तरह के दबाव में नहीं और किसी तरह के प्रलोभन से नहीं करें। जी, ये कहना शबनम जी जितना आसान लग रहा है यहाँ स्टूडियो में बैठ करके कि किसी दबाव में ना किया जाए, किसी प्रलोभन में ना किया जाए, क्या इतना सहज है कि इस चीज को नकारा जा सके? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि ये इतना सहज नहीं है, उसीलिए ये स्टूडियो में बैठ के बोलना बहुत आसान है। लेकिन हम जानते हैं हमारे मीडिया में जो भाई बंधु काम करते हैं उन्हें काफ़ी प्रेशर में काम करना पड़ता है, और भी प्रोफेशंस में हमें प्रेशर्स होते हैं, पब्लिक रिलेशंस में भी हमें प्रेशर्स होते हैं, बट एक इंडिविजुअल और एक इंसान के ऊपर है कि वो उस प्रेशर को कैसे डील करे और कितने तक वो अपने को बेंड करे। तो मैं सोचती हूँ कि एक लाइन बना दी जाए कि नहीं, इसके बियॉन्ड मैं ये काम नहीं करूँगी। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ गलत है तो मैं दो कदम पीछे हट जाऊँ, ये मेरा है। कहना आसान है, करना जरूर मुश्किल है, लेकिन खैर शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हमें करना ही होगा, क्योंकि समाज हमारा है, देश हमारा है, और एक अच्छे परिवर्तन के लिए तो हमें थोड़े से यदि बलिदान की आवश्यकता महसूस होती है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो, और यदि मीडिया ये कार्य करता है, मीडिया कर्मी ये करते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। शबनम जी, एक विशेष चीज, कई बार ये कहा जाता है कि जो कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी, वो कहते हैं कि मालिकों का दबाव या बाहरी दबाव रहता है, वो कहते हैं कि यदि वो ठीक हो जाते हैं तो हम तो ठीक हो ही जाते हैं। तो वास्तव में आपके विचार से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे परिवर्तन के लिए किसे लेना चाहिए, मीडिया कर्मियों को, मालिकों को, सरकार की तरफ से पहल हो, कहाँ से पहल होनी चाहिए? ये किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं है या एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये कोएग्जिस्टेंस है सारे लोगों का। सिर्फ एक मीडिया वाला नहीं है, एक आम जनता नहीं है, एक मालिक नहीं है, ये सारे लोगों की कोऑपरेशन से और मिलीभगत से ये बदलाव और चेंज आ सकता है, मेरा ये मानना है। जी जी जी। और यदि व्यक्तिगत परिवर्तन की बात यदि आप करती हैं, तो हर एक व्यक्ति में किस प्रकार का एक परिवर्तन स्वयं में लाना चाहिए ताकि वो इस दबाव को भी सहज रूप से ले सके, या जो चैलेंजेस उसके सामने आते हैं नेगेटिव रूप से, उन्हें भी वो ओवरकम कर सके? क्या एक व्यक्तिगत व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन या फिर एक सुधार या फिर एक जो कहें कि एक एम्पावरमेंट की बात कहें वो होनी चाहिए, वो क्या हो? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और हम एक इतने पावरफुल जगह में बैठे हैं जहाँ पे हमें इतनी प्रेरणा मिलती है अपने अंदर से बदलाव लाने की। हम जो मैं इस सेशन में आई हूँ, मैंने कल से जो भी सुना है, अब्सॉर्ब किया है, मैंने यही समझा है कि इंसान पहले अपने में परिवर्तन लाए फिर समाज में परिवर्तन लाए। तो मेरे हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले हमें लाना चाहिए, हम में जो बुराइयां हैं हमें उस पर विजय करना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी, ठीक है हमें 100% सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर का जो राक्षस है वो हम काफ़ी हद तक मार दें, अपने में बदलाव लाएं और फिर समाज को बदलने की कोशिश करें। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जी जी। तो यहाँ ये किस प्रकार की प्रेरणा आपको शबनम जी मिली, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का विशेष एक लक्ष्य ही है, या एक प्रकार से नारा है कह लें, कि स्वपरिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन होगा, दूसरों को बदलने से पहले हम खुद को बदलें। तो किस प्रकार की परिवर्तन की बातें आपने सुनी, क्या क्या और प्रेरणा यहाँ से प्राप्त हुई? मैंने तो आज का दिन बहुत ही पावरफुल वे में शुरू किया है राजयोग से, और वहाँ पे जो हमें सीखने को मिला है, जो हमें मेडिटेशन के द्वारा और जो अच्छे प्रवचनों के द्वारा जो मिला है, वो बहुत ही पावरफुल है कि हमें अपने में जो बदलाव है, यही सब ने कहा कि अपने अंदर को आप पहचाने, मैं कौन हूँ ये पहले मैं जानूँ कि मैं कौन हूँ, और उसके लिए
कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ, वो मुझे खुद ही पता करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा प्रोफेशन, मेरा नाम, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ये सब तो इसी दुनिया में रह गया। इसके अलावा जो मेरी अंतर, जो मेरी आत्मा है, वो मुझे पहचाननी है, और मेरा इस क्या लक्ष्य है, मेरा क्या गोल है, वो मुझे सोच समझ के इस दुनिया में बाकी के कर्मों को करना है। तो यहाँ पे मुझे इतने पावरफुल टीचिंग्स मिले हैं जो मैं अपने मन में संजो के और जा रही हूँ, और दूसरों को चाहूँगी कि जो भी मैंने यहाँ सीखा है सबको सिखाऊँ। अपने इतने शक्तिशाली वे में तो नहीं सिखा सकूंगी, लेकिन हाँ ज़रूर मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह मैं इन्हें भी, अपने जिनसे भी मैं मिलूं, उन्हें मैं किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित करूं। बिल्कुल, वैसे भी आप पीआर एक्सपर्ट हैं, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से जनता तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, और निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता ईश्वर से प्राप्त होगी। राजयोग के अनुभव क्या रहे विशेष शबनम जी आपके, क्योंकि मेडिटेशन के लिए कहा जाता है कि मेडिटेशन हमें अंतर की यात्रा कराता है, हमारा अपने आप से परिचय कराता है, या हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है, आपका क्या विशेष एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? मुझे तो जब मैंने पहले अटेंड किया इसे, तो मैं बहुत वंडर कर रही थी कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब शुरुआत ही हुई तो एक पीस, ऐसा पीस आया, मेरा जो लाइफस्टाइल है, और आई एम श्योर सब लोगों का भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो अगर आप अपना दिन इस राजयोग से शुरू करें और पीस से शुरू करें, तो वो जो पीस है वो आपके पूरे बीइंग में चली जाती है, और आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आपके वो अच्छे भावना, अच्छे ख्याल, ये सब आपके दिमाग में आते हैं। तो यही मैंने सोचा है कि गुड थॉट्स लीड टू गुड डीड्स एंड नेगेटिव थॉट्स लीड टू नेगेटिव डीड्स, देयरफॉर यू शुड इम्बाइब द गुड। हमेशा अच्छे के बारे में सोचो तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। बात सुंदर। यहाँ से जाने के पश्चात आप राजयोग का अभ्यास किस प्रकार से अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगी, ताकि जैसे यहाँ अच्छे एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं वहाँ पे भी होते रहें? मैंने ये ज़रूर सीखा है कि कोई खास मंदिर, मस्जिद, इसकी ज़रूरत नहीं है। राजयोग के लिए आप का अंतर मन बहुत शांत होना चाहिए, और वो मैं ज़रूर करूँगी अपने दिन की शुरुआत करने के पहले। कंसंट्रेशन करूंगी और अपने ये मैं कौन हूँ ये जानना मेरे लिए अभी बहुत आवश्यक हो गया है, और मैं इसकी ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपने को पहचानूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कैसे और बेहतर इंसान बन सकती हूँ। तो अपने दिनचर्या में मैं ज़रूर हर सुबह कुछ न कुछ करके ये राजयोग और मेडिटेशन ज़रूर लाऊंगी। बिल्कुल। क्या शबनम जी ऐसा लगता है आपको कि जो टीचिंग्स यहाँ दी जा रही हैं ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, जो आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं या राजयोग का अभ्यास करने को कहा जा रहा है, इसकी समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो मीडिया कर्मी हैं या अन्य वर्गों से जुड़े हुए हैं, अपने मन को शांत रखने के लिए या स्वयं को तलाशने के लिए, खोजने के लिए, या वो सुप्रीम बींग तक पहुँचने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये जिस तरीके से हमें सिखाया जा रहा है या बोला जा रहा है, ये भी बहुत सरल तरीका है। इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, कुछ एक अलग से कोई स्थान नहीं बनाना है, कुछ बहुत बड़ा खर्चा नहीं उठाना है। बहुत सरल और बहुत आसान तरीका है जो हर वर्ग के लोग अपने को ये अपना सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या यहाँ कुछ ऐसा लगा आपको शबनम जी कि कोई जाति, धर्म, भाषा आदि का कोई ऐसा भेद है, या सभी के लिए इक्वली समान अवसर है कि सब आके इसे सीखें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं? यही यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं ये अगले बार यही कहने वाली थी कि यहाँ पे कोई जाति पाति कुछ नहीं है, सब एक है। कोई ऊँचा, कोई नीचा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई नहीं, सब हम एक समान हैं। और यहाँ पे वो जो कॉमननेस है, एक यूनिक कॉमननेस है,
कि हम सब में वो शक्ति है और हम सब अपने भलाई के लिए उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, महिलाओं की विशेष बात शबनम जी आजकल चलती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। आप सबके लिए एक आदर्श हैं, आपने एक ऊंचाई एक बुलंदी छुई है और ईश्वर करे कि और ऊंचाइयों तक आप पहुंचें। तो महिलाओं के लिए विशेष आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप ही घर में रहती हैं, आपका फील्ड भी है, कैसे एक तो आप बैलेंस रखती हैं और यदि हमें शिखर तक पहुँचना है, आगे बढ़ना है, हम किन बातों का ध्यान रखें और आप व्यक्तिगत रूप से ये कैसे करते हैं? जी, मैं एक आपको एक 2 मिनट लूंगी बताने अपने बारे में। मैं एक छोटे से स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी से हूँ। मैं उधर पैदा हुई और हम 4 बहनों का परिवार था। हमारे माता पिता सर्विस में थे, तो छोटे से शहर में हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम 4 लड़की हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें शादी करके बस एक परिवार बसाना है। उन्होंने हम चारों को यही प्रेरणा दी कि तुम अपना अपना जो तुम्हारी इच्छा है उसमें तुम पढ़ो लिखो, जो करो और आगे बढ़ो। तो आज मेरे पिताजी श्री ओंकारनाथ पंचालर, जो अभी स्वर्गीय हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और मेरी माता श्रीमती उर्मिला पंचालर, वो हैं अभी और वो भी हमारी साथ बनी हुई हैं, हमें कॉन्स्टेंटली इनकरेज करती रहती हैं। अभी वो आपको देख के बहुत खुश हो रही जी तो मैं और मेरी 4 बहनें हैं, उनका भी नाम ले लूं जी, जी। पूनम, नीलम, शबनम मैं हूँ और अनुपम। तो हम चारों ने अपनी अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि हमें ये इच्छा थी कि अगर हम औरत हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी तरह से पीछे हो गए जी। तो हमने अपने लिए एक कायम किया एक समाज में एक स्तर पे, और हम सबका साथ रहा और हम सब अच्छे हो गए। तो मैं ये कहती हूँ कि हर औरत को एक बैलेंस बनाना तो ज़रूरी है परिवार और कर्म के बीच, और यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आदमी को एक रेगुलेटेड लाइफ लीड करनी चाहिए जिसमें हर चीज़ के लिए आपके पास वक्त निकालना है। आप यह ना कहें कि मेरे को काम के लिए 90% चाहिए और 10% फैमिली के लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज़ के लिए जो जितना चाहिए, किसी दिन शायद कम चाहिए, किसी दिन ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपको उसी मात्रा में सबको वो ध्यान और अटेंशन देना चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन से ज़रूर होता है। और अब तो मैं कहूँगी कि राजयोग, राजयोग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें सबको अपने लाइफ में लाना चाहिए। मतलब राजयोग भी मददगार साबित हो सकता है बैलेंस रखने में और निरंतर आगे बढ़ने जी, में जी। एक अच्छी बात अपने अपने माता पिता के बारे में कही है शबनम जी, कि 4 बेटियां हुई और उन्होंने उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है भ्रूण हत्या की जब बात आती है बड़ी निराशा होती है कि लड़कियों को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे माता पिता के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही दुखदाई बात है कि अगर आप अपनी बेटियों को लड़कों से कम समझते हैं। काफ़ी लोगों ने इस पे काफ़ी सारे टिप्पणी की है, सीरियल्स बने हैं, मूवीज़ बनी हैं, पर ये आपके अंतर मन में आना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, और आप उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, फिर देखिए वो क्या कर दिखाएंगी। मेरी खुद की बेटी है स्निग्धा, और उसने मुझे इतना गर्व अब तक महसूस कराया है, क्योंकि उसने अब तक जो भी लाइफ में अचीव किया है बहुत अच्छा किया है, और मैं कामना करती हूँ कि वो मेरे से भी आगे बढ़े और अच्छा और नाम कमाए। नहीं, बिल्कुल, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि वो बहुत आगे बढ़े। और बेटियाँ हमेशा ही मुझे लगता है कि नाम रोशन करती हैं और माता पिता को एक गर्व का एहसास कराती हैं, इसीलिए सभी को अपनी बेटियों को निश्चित रूप से जैसे आपके माता पिता ने आगे किया उसी प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर से मैं उसी विशेष बात पर आना चाहूँगा शबनम जी, जो यहाँ पर एक जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ख़ास करके ये कई बार कहा जाता है कि जो मीडिया पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनके एक डेडलाइन होता है, उनको न्यूज़ आदि देना होता है, ये सारी चीज़ें, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, इस तनाव को दूर करने के लिए क्या कोई सहज तरीका हो सकता है या पुनः मेडिटेशन क्या उन्हें मदद कर सकता है? मेडिटेशन तो डेफिनेटली मदद कर सकता है, और उन्हें जो मैंने कहा है एक
सेल्फ डिसिप्लिन जब वो रखेंगे, तनाव तो सबके जिंदगी में है, मीडिया में ज्यादा है जरूर क्योंकि वहाँ डेडलाइंस हैं, काम में भी काफ़ी डेडलाइंस होते हैं, लेकिन हाँ मेडिटेशन तो एक बहुत ही बड़ा स्रोत है जिससे वो प्रेरित होके अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये ज़रूर, और ये जो कहना होता है काफ़ी लोगों को आप पूछेंगे तो वो कहेंगे मुझे समय नहीं मिलता है, तो अभी सबसे ज़रूरी है कि पहले आप समय निकालें, वो करें, उसके बाद अपना काम करें। एक बार आपने ये किया तो बाकी सब कुछ अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाएगा। जी जी, मतलब पहले अपने आप को भी थोड़ा समय दे दिया जाए, उसके पश्चात शायद हमें और जो कार्य हम कर रहे हैं ज़्यादा अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। और एक विशेष बात जो मीडिया के लिए है शबनम जी, वो ये कहा जाता है कि चलिए जो समाज में हो रहा है वो चीज़ें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या समाज में एक परिवर्तन की बयार, एक अच्छे परिवर्तन की बयार लाने का दायित्व भी आज के जो मीडिया कर्मी हैं, आज के समाज और परिस्थितियों को देखते हुए क्या मीडिया कर्मियों को उठानी चाहिए? ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपको कहा, ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमें सबको मिलके करना होगा। तो हम अगर कहते हैं कि ये सिर्फ मीडिया वालों को करना है या सिर्फ आम आदमी को करना है या सिर्फ गवर्नमेंट को करना है, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मीडिया में भी लोग आप और हम जैसे ही लोग हैं और इसीलिए हमें सबको एक साथ मिलके करना है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और इसे हमें एड्रेस करना ही है, करना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी थी शबनम जी, कि मूवीज़ में जो चीज़ें आज परोसी जा रही हैं या टीवी सीरियल्स में जो चीज़ें दी जा रही हैं, और हम जानते हैं कि इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव बच्चों पे, युवाओं पे, समाज में देखने में आता है, तो ऐसी जो चीज़ें, चूँकि बात सकारात्मक परिवर्तन की हो रही है, इस संदर्भ में मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो चीज़ें परोसी जा रही हैं इस बात को पीछे रख करके कि भाई जो लोग चाहते हैं वही चीज़ें हम परोस रहे हैं, तो क्या ये चीजें परिवर्तित नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आम जनता का है। अगर वो हमें कुछ परोस रहे हैं और हम उसका ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। तो हमें वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। अगर वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं या किसी चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो हमें नहीं पसंद है, तो हमें वो न तो पढ़नी चाहिए न देखनी चाहिए। ऑटोमेटिकली जब उनकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, उनके TRP सीरियल के गिर जाएंगे, तो वो कंपेल्ड हो जाएंगे कि चलो अब मैं ये चेंज कर देता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो प्रोत्साहित कर सकते हैं लोगों को, तो अच्छे दिशा में ले जाएं, न कि गलत दिशा में। चलिए, जन समूह की भी एक बात आपने कही कि वो भी इन चीजों को नकारें, वो उनकी अपनी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन क्या फिर एक जो ऊपर से जहां से ये परोसा जा रहा है वहां से भी एक जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम अच्छी चीजें ही परोसें ताकि उनके पास ऑप्शन ही ना हो कि वो बुरी चीजों को देखें? जरूर। तो अगर समझिए 10 लोग हैं तो उसमें से एटलीस्ट 6 लोगों को ये फील करना चाहिए कि ये गलत है, तो ही वहाँ पे बदलाव आएगा। अगर वो 10 में से 9 लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ही सही चीज़ है, तो वो बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए उनके बीच में भी उन 10 लोगों में मेजॉरिटी को ये फील करना चाहिए कि हाँ ये गलत है, तो जब वो वहाँ पे एक विराम चिन्ह लगा देते हैं तो बाकी लोग भी कहेंगे कि हाँ चलो ये न्यूज़, अगर कोई वो लेके आता है वैसी स्टोरी या न्यूज़ और वो बोलते हैं कि नहीं ये हम नहीं पब्लिश करेंगे या ये गलत है, इससे और बहुत ही कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर वो रिपोर्टर या वो जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंट वो फिर वो बंद कर देगा। तो उस तरह से हाँ, आपकी बात बहुत सही है कि वहां से भी आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब दोनों तरह से ही अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो समझें, तो क्योंकि एक सकारात्मक परिवर्तन या हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो मेरे विचार से शायद सभी को अपनी जिम्मेवारियां समझनी होंगी, निभानी होंगी। और एक विशेष बात अंत में मैं जानना चाहूंगा, आजकल जो एक नेट के थ्रू एक सामान्य व्यक्ति तक भी जो गंदगी या बुराइयां पहुंच रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समाज में विकृति लाने का कारण बन रहा है। आपके विचार से इसमें किस प्रकार से एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और किसकी भूमिका इसमें अहम हो सकती है?
इसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल या योगदान हो सकता है। वो कुछ ऐसी रेगुलेटरी लॉज एंड रूल्स ऐसा ला दें जिसमें कि हम फिल्टर कर सकें कि किसके पास क्या पहुंच रहा है। वो इस तरह के, जैसे हम कॉरपोरेट ऑफिसर्स में जाते हैं तो मैं तो काफ़ी कॉरपोरेट्स में जाती हूँ, वहाँ पर लोगों को फेसबुक या ये सब अलाउड नहीं है तो वो सर्वर रिजेक्ट कर देता है जी। उसी तरह से आप कुछ भी जो खराब है वो आप नहीं देख सकते हैं तो वो सेंसर्ड हो जाता है। उसी तरह से अगर हम कुछ ऐसे रेगुलेशंस लगा दें, कुछ जैसे हमारे न्यूज़ या अपने मूवीज़ में सेंसर बोर्ड हैं, वैसे इसके लिए भी कुछ एक बॉडी सोचें जिससे कि हम कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ आ जाएं जो हम कंट्रोल करें और फिल्टर करें कि क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा सोसाइटी उतना मैच्योर नहीं है कि ये सब अब्सॉर्ब कर सके, वो उसका बुरा असर होता है। तो वो कुछ वो समझ विकसित नहीं हो पाई होती है तो खास करके बच्चे और युवा इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और समाज में यदि हम कुछ गंदगी और विकृति देखते हैं तो शायद उसका भी, उसके पीछे शायद ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, आप यहाँ आई और बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बारम्बार आप आती रहेंगी, अपने विचार हमारे समक्ष रखती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थी शबनम अस्थाना जी जो हमारे साथ थी, और बहुत अच्छे अनुभव आपने अपने यहाँ के जो 2-3 दिन का प्रवास इनका रहा है, विशेष करके मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपका आना हुआ था, और एक सकारात्मक परिवर्तन की बात सचमुच बहुत शिद्दत से हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा है, क्योंकि समाज हमारा है, इसे स्वस्थ बनाना, स्वच्छ बनाना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए हमें ज़रूर निकालना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा, क्योंकि जैसे कुल्हाड़ी में धार कर लिया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट पाते हैं, वैसे ही यदि हम थोड़ा वक्त अपने आप को दे दें, मेडिटेशन कर लें, तो निश्चित रूप से जो हमारा आने वाला जो दिन होता है उसमें भी हम बहुत सहज और सरल रूप से अपना कार्य कर पाते हैं। तो बहुत ही गंभीर विषय है ये, एक समाज में सकारात्मकता लाने का, अपने अंदर सकारात्मकता लाके हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। थोड़ा वक्त अपने आप को जरूर दें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, ताकि इस समाज को जिसने अब तक हमें इतना कुछ दिया है हम समाज को क्या दें, इस विषय पर भी हम विचार कर सकें। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।